किसका प्रश्न है? डू गॉड्स एंड गॉडेसेस एग्जिस्ट? आपका है? ऐसा है, एज सम पीपल से देर आर फाइव वेज फॉर सल्वेशन. वन हु डज भक्ति विल ऑल्सो गो टू सल्वेशन. सो दे से दैट गॉड्स एंड गॉडेसेस आर माइल स्टोन्स ऑन द पाथ. So does every sadhak who goes through any path meets gods on the way? ऐसा है, भक्ति जो कहते हैं ना, भक्ति दो प्रकार की है, प्रत्यक्ष भक्ति और परोक्ष भक्ति, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. जो साधना करने वाले भक्त लोग रहते हैं ना, भक्ति से आगे बढ़ते हैं, तो भी उनकी बिगिनिंग होती है परोक्ष भक्ति से. समझ में आया ना? परोक्ष भक्ति से परोक्ष भगवान की भक्ति करते हैं. भगवान भी परोक्ष है और उनकी भक्ति भी परोक्ष है. परोक्ष का मतलब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट. भगवान को पहचान नहीं है, कहाँ है, क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, कुछ मालूम नहीं है. लेकिन सुना है, पढ़ा है, तो अपने मन भी मानने लगे कि है कोई भगवान, ऊपर है, ये करता है, वो करता है. तरह तरह की कल्पनाएं हैं हमारे पास, वास्तविक में कोई पता नहीं है उसका रियल क्या है. समझ में आया ना? तो वहाँ तक ठीक है, जब तक आप परोक्ष भक्ति करते हो तब तक ठीक है. फिर अपने कल्पना के भगवान उसके दिमाग में रहते हैं और उसको ही वो बनता है कि मेरे को साक्षात्कार हो गया. नहीं ना, ये जमाने में सबसे टॉप पर गए हुए भक्तों में नरसिंह मेहता जो हो गए, बहुत कृष्ण के भक्त थे, बड़े प्योर, बहुत पहुँचे हुए. सारी जिंदगी उन्होंने भक्ति में गाली, पूरी भक्ति कर कर करते रहे कृष्ण भगवान की. लेकिन वो भी आखिरी में क्या बोले, जहाँ लगी आत्म तत्व चीनो नहीं, तहाँ लगी साधना सर्व झूठी. जहाँ तक आत्मा तत्व प्राप्त नहीं हुआ वहाँ तक सारी साधना झूठी. तो सारी जिंदगी भर आपने इतनी कृष्ण की भक्ति की, वो क्या झूठी कहते हैं? आत्मा जब तक नहीं जाना तब तक सब झूठा है. तो अल्टीमेट तो यही बात आके खड़ी होती है ना, आत्मा को पहचानने की बात है. उसको पहचाना तो प्रत्यक्ष भक्ति हो जाएगी. वो रियल गॉड वही है. आई विदाउट माई इज गॉड, क्या, और आई विथ माई इज जीवात्मा. तो रियल गॉड वही है, आपका आत्मा वही परमात्मा है. तो ये जब तक रियलाइजेशन नहीं होता है तब तक पाथ में साधक एक एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ता है. परोक्ष भक्ति तो अनंत अवतार करते आया है, उससे कुछ मोक्ष का साधन नहीं होता है. नहीं तो नरसिंह मेहता ऐसा नहीं बोलते थे कि साधना सर्व झूठी. आत्म तत्व तो जब तक जाना नहीं वहाँ तक साधना सर्व झूठी. उनमें आया ना, एवरी पर्सन हैज टू अंडरगो रिजल्ट ऑफ द कर्मास. कैन दोज कर्मा रिजल्ट कैन बी रिमूव्ड और रिड्यूस्ड बाय गॉड्स और बाय ग्रेस एंड एनलाइटन पीपल. नो,
karma cannot be changed by anybody in this world. But the enlightened people, God means enlightened people, person is the God. Beginning से लेके end तक जो होता है ना enlightened person, सबको God कहते हैं, भगवान कहते हैं. इनसे कोई कर्म का फल बदला नहीं जा सकता है. नोबडी कैन चेंज. समझ में है ना? कृष्ण भगवान, जैसे कृष्ण भगवान खुद नर में से नारायण हुए थे, भगवान का पद प्राप्त किया था, तो भी उनका कर्म के आगे कुछ नहीं चला. नोबडी कुड चेंज. उन्होंने खुद ने भी बहुत कोशिश की थी कि महाभारत का युद्ध न हो, लेकिन कर्म वो युद्ध करने का आ ही चुका था, तो वो बाद में समझ गए कि अभी ये होने ही वाला है. ही एक्सेप्टेड देन. उनको भी उनके कर्म नहीं छोड़ते, उनको भी उनका अंतिम लास्ट में उनको शिकारी का एक बाण लगा था और वहीं उनकी डेथ हो गई थी. तो ये कर्म तो उनको भी नहीं छोड़ा, कर्म ने नहीं छोड़ा. रामचंद्र जी जैसे, भगवान रामचंद्र जी का भी कर्म कितना भारी आया था. सीता का हरण हो गया, कुछ कम है वो? कितनी मुसीबत है. तो आपकी सीता को उठा के ले जाए तब पता चलेगा कितना भारी कर्म होता है. ये तो अपने है, सलामत है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. कितनी तकलीफ, कितना कितना भारी कर्म था. और इतना इतने में से कितना बड़ा रामायण हो गया, युद्ध हो गया. तो कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, पूरा करना ही पड़ता है. यहाँ तक कि कट शॉर्ट करने गए तो भी नहीं होता है. वो हनुमान जी गए थे अशोक वाटिका में उड़ते उड़ते सीता जी के पास, रामचंद्र जी की अंगूठी बताई और कहे कि मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ, भक्त हूँ उनका. सीता जी ने पहचान लिया, खुश हो गई, बहुत खुश हो गई. फिर हनुमान जी ने कहा आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको अभी के अभी रामचंद्र जी के पास ले जाता हूँ, आपका मिलन करा देता हूँ. तो सीता ना बोली, नहीं मैं ऐसे नहीं आऊँगी, मुझे तो रामचंद्र आए, युद्ध करवे और फिर ले जाए, तभी आऊँगी. बोलो लंबा हो गया ना, कर्म पूरा था तो इसीलिए हुआ, नहीं तो मान जाती थी तो शॉर्टकट हो जाता था ना. उड़ के पहुंच जाती थी, रामायण भी नहीं होता था, कोई नो प्रॉब्लम. लेकिन वहाँ भी उन्होंने अपनी ही मानी, नहीं मानी. कर्म नहीं छोड़ता है किसी को, क्या है? हाँ, जो एनलाइटन पर्सन है, ज्ञानी लोग जो है, वो आपको ज्ञान देकर इसी कर्म को भुगतने की तरीके में से छुड़ा देता है, भुगतने में से छुड़ा देते हैं. कर्म तो वही का वही रहता है, लेकिन आपके भुगतने में पूरा फर्क आ सकता है. समझ में आया ना? कल तक आप वही रमेश भाई थे, वही आपकी फाइल नंबर 2 थी, कुछ बोले तो आप चिढ़ जाते थे, कुछ उल्टा सुल्टा बोल देते थे. आज भी वही कर्म तो वैसे ही आए, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन अंदर फर्क हो गया. क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष में फर्क हो गया. वो जो उल्टा लेकर हम भुगत लेते थे वो निकल गया, सुल्टा ले रहे, क्योंकि हमारी दृष्टि अभी सम्यक दृष्टि हो गई है, सम्यक दर्शन हो गया है.
तो उल्टा लेने के लिए लेके कर्म बांधना उससे अच्छा बेहतर है, छूटा लो, संभाव से निकाल करो, छूट जाओ, लंबा क्यों करे। समझ में आया ना? क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील गवास्कर नहीं, सुनील देव। डू एनलाइटन पीपल, पीपल्स कर्मा बिफोर हैंड अबाउट द नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक एट्सेट्रा। इफ यस, कैन द इफेक्ट ऑफ दीज कैलेमिटीज बी रिड्यूस बाय इन्फॉर्मिंग सेवरल पीपल, रिलेवेंट पीपल बिफोर? नो, कुछ नहीं करते हैं, पता ही नहीं चलता है, और पता चला भी तो वो उसमें कुछ दखल नहीं करते, टैंक स्टॉप कर नहीं सकते हैं, तो नेचर के अगेंस्ट हो जाएंगे कैसे, अहंकार कैसा करेंगे? जो है होने, नेचर कर्म में जो है पूरा होने देंगे, कुछ कर नहीं सकते, खुद के लिए भी नहीं कर सकते ना। लेकिन सारे सबको नहीं, सिर्फ केवल ज्ञान प्राप्त करके पूर्ण भगवान होते हैं ना, उनको ही सब कुछ पता चलता है एडवांस में, बाकी किसी को कभी कभी कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर ऐसा हो जाता है पता, नॉट 100% कहा नहीं जा सकता है, लेकिन केवल ज्ञानी रहते, तीर्थंकर भगवान वगैरह रहते थे, उनको 100% करेक्ट होता है मालूम। मैं समझ में आया ना? अभी यही जो सुनामी हुआ उसके बारे में दादाजी ने तो बहुत साल बात की थी, मैंने 68 से उनके मुंह से सुना था कई बार, 2005 के साल के पहले ही हिंदुस्तान में धरती कंप हो गए, दरिया, सुनामी वर्ड्स नहीं था उस समय, दरिया उछलेगा 25-25 30-30 फुट ऊपर जाएगा, उसके भी उस पानी में ले जाएगा सब कुछ, बॉम्बे मद्रास साउथ का बताया था उन्होंने, हिंदुस्तान में होगा बहुत। ऐसे तो बहुत सारी बातें बताई थी, सादा हुसैन के प्रॉब्लम की भी बात बताई थी 68 से, मैंने तो सुना है उनसे, मुझे नाम नहीं था उस समय सादा हुसैन, या मिडल ईस्ट के पास कुछ था ही नहीं, उस ऑयल वॉयल कुछ नहीं था, तो 1942 से बोलते आ रहे थे कि वॉर, बहुत बड़ा वॉर होगा वर्ल्ड में, और मिडल ईस्ट विल बी द कॉज ऑफ दिस वॉर, और कोई किंग ऐसा पागल जैसा आएगा, अहंकारी आएगा, वो सारा कराएगा। इंडिया में वॉर नहीं होगा, इंडिया डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है, नेचर उसको नेचुरल हैजार्ड हो गए वहाँ, नेचुरल कैलामिटीज, वॉर वॉर नहीं होगा। अभी ये तो बहुत बड़ी चीज़ प्राप्त हो गई है, दो ढाई घंटे में, दो ही घंटे में आपको पुरुष बना दिया, आत्मा पुरुष है, प्रकृति स्त्री है, अबला है, उसकी पकड़ में से निकल गए, रजपूत पुरुष हो गए, वही परमात्मा है। ये प्रकृति को ख़त्म करने की है संभाव से निकाल करते करते। आज ही ऐसा हुआ, शाम को मैं उठा 5 बजे तो वाइफ ने बोला कि भाई प्रेस कंट्रोल वाले को बुलाओ, तो पहले मैं उसको बहुत गुस्सा करता था, भाई अब भी लगाया है, 100 ग्राम लगेगा, ये है वो है खर्चा, मैंने कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप बोला अच्छा ओके।
तो वो भी देखने फिर ओके हमारा ओके, फिर मैं खुद गया ऑफिस दुकान में जाके फ़ोन किया, लगे ही नहीं। तो तीन चार दफ़े उसको मुझसे कॉल दिया तो अपने ही फ़ोन किया, बोला भाई तुम आने का, आने का है। बोला कितना बजे आऊँ साहब? बोला जब तुम बोलो। 5 बजे बोला है वाइफ ने। बोला हाँ पहुँच जाता है। नहीं तो वही काम पहले मैं बहुत गुस्सा करता था उनके ऊपर, तो मैं बोला अभी जो करना है आज नहीं तो कल करना ही है। तो मैं लेट करता था या गुस्सा करता था, पैसा खर्चा होता है, ये फ़ायदा अभी 6 महीना हुआ नहीं है, तो ये सब बातें अभी मेरा निकल गया। अभी जो बोलता है ओके एक्सेप्ट करके यस करते जाओ तो अपना क्या फिर कर्म भी नहीं बनेगा और अपने को शांति भी रहेगी। हाँ छूटते मेन शांति चाहिए था, वो शांति आ गया ना। बहुत अच्छा, कर्म अभी छूटते जाएगा, छूटते जाता है अभी एकदम, पेंडिंग नहीं रहेगा। व्हेन अपोजिट पार्टी कम कैन मेड मी एंग्री, सामने वाला आपको एंग्री कर सकता है, ऐसा पूछती हो? हाँ, जैसे आज कोई ऑपोजिट पार्टी आई थी तो ऐसे ही उसने कुछ बोला तो मुझे गुस्सा आ गया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कल अटेंड किया तो उसके बाद मेरे को फिर गुस्सा क्यों आया, गुस्सा नहीं आना चाहिए था मुझे। नहीं गुस्सा तो आएगा नहीं, क्यों आएगा ऐसा नहीं सोचना। वो आपका हमने बताया था ना, क्रोध मान माया लोभ आपका भरा हुआ माल है, वो निकलेगा सही, लेकिन आपने उसको अलग रखने का, मुझे आया ऐसा नहीं रखने का, मालिनी को आया। और यहाँ तक हमने उसको प्रतिक्रमण करना, सामने वाले को दुख हो गया तो कि भाई अपने कुछ गलती हो गई, मन में माफ़ी मांगो, पश्चाताप करो, गलत हो गया और फिर नहीं करूँगी ऐसा, समझ में आया ना। और काफ़ी इरिटेशन भी होती है हुँ? काफ़ी इरिटेशन होती है मुझे, कोई भी बात होती है बस ऐसे ही इरिटेशन हो जाती है मुझे। हमेशा होती है? हमेशा होती है। तो ये अहंकार और बुद्धि है, सेंसिटिव अहंकार है ना, वो इरिटेट करवाता है क्या उसको। अब जो भी कुछ होता है उसको एक्सेप्ट करो, व्यवस्थित है तो ये इरिटेशन नहीं होगा क्या। एक्सेप्ट नहीं करता है ना अहंकार किसी भी बात को, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा है वैसा है, अपने मर्जी के खिलाफ जो भी कुछ होता है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, व्यवस्थित ही है। मर्जी के मुताबिक होता है तो हम खुश होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मर्जी के खिलाफ होता है तब हम इरिटेट होते हैं, गुस्से में आता है। तो वो उसका कारण यही है कि हम व्यवस्थित की आज्ञा फॉलो करो, वो चुप मिस होता है इसलिए ऐसा होता है। जितना व्यवस्थित की आज्ञा में रहोगे ना उतना समता में शांति बहुत रहेगी। अपने हाथ में के किसी के हाथ में है नहीं करने की सत्ता नहीं है, सामने वाला भी जो भी कुछ करता है वो उसके पावर में नहीं है, वो भी व्यवस्थित के हाथ में है। When person loses his or her any organ like hand or leg in an accident, is it not difficult to say it is due to scientific circumstances? Yeah, lose करने की क्या बात है, death भी हो गया तो भी वो scientific circumstantial evidence ही है, समझ में आया? Anything can happen. अच्छी कोई अच्छा हुआ तो ही व्यवस्थित है, बुरा हुआ तो नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो गया तो भी व्यवस्थित ही है। और ये व्यवस्थित का ज्ञान जितना आप अनुभव में लेते जाओगे उतना आपको ज़्यादा स्थिरता आएगी, शांति रहेगी, कर्म नहीं बंधा जाएगा। यहाँ तक कि ये ज्ञान का उपयोग करने वाले का आपको एक्सपीरियंस बताऊँ, ज्ञान लेने के बाद हमने ऐसी भी स्त्रियाँ देखी हैं यंग एज में उसका पति एक्सीडेंट में या हार्ट अटैक में उसके सामने मर जाता है ऑल ऑफ ए सडन, तो भी उसको यही ज्ञान हाजिर हो जाता है कि जो भी कुछ हुआ व्यवस्थित है। आज तक वह मेरा पति था लेकिन अब यह डेड बॉडी है,
मरने के बाद पति थोड़ी कहा जाएगा, डेड बॉडी हो जाएगी ना। तो ज्ञान उसके हाजिर होता है कि ये तो डेड बॉडी है, पति नहीं है। पूरा हो गया रिश्ता, ख़त्म हो गया उसका आयुष्य। पूरा ख़त्म होते ही अभी उसने ये शरीर छोड़ के दूसरा नया ले लिया। अब ये अकाउंट क्लोज हो जाता है, नया हो शुरू होता है। नया फिर कहाँ, किसके साथ, कैसा, वो कोई पता नहीं चलता है। और फिर हमारा उसके साथ कोई लेन देन नहीं रहता है। मिलता भी नहीं है, मिला तो भी पहचान भी नहीं हो सकती है। समझ में आया ना? तो ये फैक्ट है, फैक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल भुगतना नहीं आएगा। समझ में आया ना? ये एक्सेप्ट नहीं होता है, इसीलिए हमको दुख अनेक गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, अनबेरेबल हो जाता है। नहीं तो लगता ही नहीं, दुख जैसा कुछ टच ही नहीं होता है। बहुत जने के हमने अनुभव सुने हैं।